गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अंटिल अदर स्टूडेंट्स जॉइन इन, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ब्रीफली रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल एंड वी विल continue then ahead with our topic. We will surely continue with our topic then. चलिए start करते हैं. Yes, किसी को याद है? What do you mean by a factorial? What was the definition of a factorial, बेटा? अगर मैं आपको कहता हूँ n factorial, it is equal to dash. It is what? The product of first n natural numbers. Yes or no, beta? Correct. N factorial is what? The product of first n natural numbers. Yani ki n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आपको 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक सारे वैल्यूज जो हैं वो याद होने चाहिए. ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि कल आपने 1 टू 10 फैक्टोरियल्स वैल्यूज जो हैं वो पढ़े होंगे. ठीक है, एंड 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1. फिर हमने कुछ और प्रॉपर्टीज भी सीखे, जैसे कि a प्लस बी फैक्टोरियल is not equal to a factorial plus b factorial. a minus b factorial is not equal to a factorial minus b factorial. a into b factorial is not equal to a factorial into b factorial. And we also studied a by b factorial is not equal to a factorial upon b factorial. Yes, ये सभी चीजें हमने सीखी हैं. ठीक है, अभी इसी के साथ साथ हमने एक चीज अप्लाई भी की. करेक्ट, एक नई चीज जिस पर हमने सम्स किए, लेकिन हमने उसे जनरलाइज नहीं किया है. जैसे कि आप ही मुझे बताइए, अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 6 है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? एवरीवन, इकल किया है हमने, राइट? अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 6 है तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ बेटा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 कैन बी रिटन एज डैश बेटा. ओके, 6 फैक्टोरियल. अगर मेरे पास 6 फैक्टोरियल इंटू 7 है तो फिर मैं उसे कैसे लिख सकता हूं बेटा? ओके, सिमिलरली अब अगर मैं आपको कहता हूँ 8 फैक्टोरियल इंटू 9 तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 9 फैक्टोरियल. चलो ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 को मैं कैसे लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल. आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल है, ठीक है, अगर आपके पास n फैक्टोरियल है उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं n प्लस 1 से, करेक्ट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? n प्लस 1 फैक्टोरियल. ये एक तरीका इसे समझने का, यस और नो? ये वाला तरीका समझा बेटा? करेक्ट, एक तरीका ये भी हो सकता है, या तो फिर मैं इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि अगर मैं इसे n लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी n फैक्टोरियल. कैन आई से
इन दोनों की बेटा अगर आप मीनिंग देखने जाएंगे तो मीनिंग सेम है, सिर्फ नोटेशन अलग है। देखो मीनिंग कैसे सेम है, एन माइनस वन फैक्टोरियल मतलब क्या, एन से वो ठीक एक कम है तो आप क्या लिख रहे हैं, एन फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या है, एन फैक्टोरियल जो है वो एन प्लस वन से कितना कम है बेटा, एन और एन प्लस वन में कितने का डिफरेंस है, एक का। एन माइनस वन और एन में कितने का डिफरेंस है, एक का। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें बेटा सही है, लेकिन हमें जब जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसे यूज करेंगे, वेर एवर वी विल रिक्वायर वी मे यूज दीज थिंग्स। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को ही एज अ रिजल्ट यहाँ पर लिखूंगा, करेक्ट। फिर जब हमें जिसकी जरूरत पड़ी हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा इस रिजल्ट में, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस रिजल्ट बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस रिजल्ट। ओके, तो हम लोग इस रिजल्ट को नोट करते हैं, दैट इज अगर मेरे पास एन प्लस वन इंटू में है एन फैक्टोरियल तो मैं उसे लिखूंगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। सिमिलरली बेटा अगर मेरे पास है एन माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, एन फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, आप लेट ज्वाइन हुए हैं क्या सनी? देखिए कुछ बच्चे ना लेट ज्वाइन होते हैं देन दे टेल मी टू रिवाइज इट बेटा, जो कि बहुत गलत बात है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। हैव यू ज्वाइन लेट? बेटा मैं 5 मिनट पूरे रुकता हूँ बेटा, तो गलत है ना, आप लेट ज्वाइन क्यों होते हैं? समीर व्हाई यू ज्वाइन लेट? अभी वेट कीजिए बेटा, सनी वेट फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। करेक्ट, मैं अभी एक सम सिखा रहा हूँ, उसमें मैं ये रिजल्ट जो है यूज करूंगा, अगर वो नहीं समझा तो फिर मैं आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सनी, समीर इज इट ओके? एक सम करते हैं, उसमें अगर आपको इसका एप्लीकेशन नहीं समझा तो फिर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो कल हमने 15 सम्स किए थे, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सम नंबर 16। आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, बोला गया है इफ एन प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। करेक्ट, दिस इज गिवन टू यू, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत ध्यान से, आपको क्या लगता है एन प्लस वन और एन माइनस वन में बड़ा वाला टर्म कौन सा होगा? एवरीवन, एन प्लस वन और एन माइनस वन में बड़ा वाला टर्म कौन सा होगा? फॉर श्योर इट विल बी एन प्लस वन। ठीक है, तो आप सभी को डेफिनेशन तो पता ही है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल इज एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टिल वन। यानी कि हर बार क्या होने वाला है, एक एक से आप रिड्यूस होने वाले हैं, राइट? एवरी टाइम एवरी टर्म वो कैसे रिड्यूस हो रहा है, एक एक से रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एन प्लस वन फैक्टोरियल तो पहले क्या आएगा बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, एन प्लस वन, फिर एक से घटा दो, एन प्लस वन को एक से घटा दिया तो क्या मिलेगा, एन प्लस वन को एक से अगर घटा दूं, करेक्ट, तो क्या मिलेगा बेटा, इफ आई रिड्यूस बाय वन, एन प्लस वन को एक से घटा दो क्या मिलेगा, एन, उसको फिर से एक से घटा दो क्या मिलेगा, और एक बार एक से घटा दो, क्या मैं कह सकता हूं आपको मिल जाएगा एन माइनस वन, जो कि नहीं बट क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या, ऐसे करते करते वो वन तक जाएगा, बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों?
राइट हैंड साइड में भी तो एन माइनस वन फैक्टोरियल है ना, ठीक है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट बेटा, जितने बच्चों को ये फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ गया बहुत अच्छी बात। अब सोचो कि आप में से कुछ लोगों को नहीं समझा तो कैसे करेंगे बेटा, थोड़ा लेंदी मेथड जाएंगे, करेक्ट। अब हमारे पास है एन प्लस वन, ठीक है, तो एन की जगह पर आएगा एन प्लस वन, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, एन की जगह पर आएगा एन प्लस वन, फिर ब्रैकेट में एन की जगह पर आएगा एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। जिधर एन है उधर क्या लिख रहा हूँ, एन प्लस वन। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अब ये जो अगला टर्म आएगा ये क्या आएगा, एन प्लस वन माइनस टू, ऐसे करते करते कहाँ तक बेटा, वन तक। तो ये आपको क्या मिलेगा, एन प्लस वन, ब्रैकेट ओपन करोगे तो एन, ये क्या मिलेगा, एन माइनस वन से लेकर वन तक, दिस एंटायर इज नथिंग बट वॉट, एन माइनस वन फैक्टोरियल। यस, इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू यू नाउ? अगर किसी बच्चे को नहीं समझा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा, इफ एनी स्टूडेंट डिडंट अंडरस्टूड डायरेक्टली, करेक्ट, तो वो ही ऐसा लेंदी मेथड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। बट अगर आप माइंड में हर बार ये डेफिनेशन याद रखें कि एवरी टाइम वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट बाय वन, करेक्ट, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम कम लगेगा और जितना टाइम कम लगेगा उतना सम जो है आपका जल्दी से कंप्लीट होगा, ठीक है। सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स फ्रॉम स्टेप वन टू स्टेप टू, ये स्टेप से ये स्टेप पे आने के लिए किसी को कोई डाउट, फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप पर आने के लिए किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट, पक्का बेटा? समीर बेटा समझा, सनी समझा बेटा, सनी एंड समीर डिड यू अंडरस्टूड? देखा आपने कैसे रिड्यूस किया बेटा, सनी एंड समीर समझा बेटा? ओके, तो अभी क्योंकि इक्वल टू के दोनों बाजू सेम है तो मैं एन माइनस वन फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर है एन प्लस वन और यहाँ पर है एन इज इक्वल टू 30। अभी इसे आगे सॉल्व करने के बेटा दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको समझाता हूँ, लेकिन मुझे जो प्रिफर्ड है, मुझे जो लगता है कि यार काफी अच्छा तरीका है उसे करने का, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो पहला मेथड जो आप बचपन में सीखे हैं, राइट, बचपन में आपने क्या सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 30, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 30 है बेटा वो भी माइनस में, करेक्ट, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ फैक्टर्स जो होंगे दैट विल बी प्लस 6 एंड माइनस 5। यस बेटा, सभी बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता होगा, राइट, ऐसा कोई है क्या जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये 11 12 से रिलेटेड नहीं है, ये तो बेटा आपने आठवीं कक्षा में पढ़ा है, करेक्ट, ऐसा कोई है क्या जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता, तो फिर मैं वो भी स्टेप्स लिखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Anyone who doesn't knows how to solve the quadratic equation, देखिए बताइए, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली आगे बढ़ू ना, ऐसा कोई है बेटा जिसे quadratic equation नहीं पता कैसे solve किया जाता? Anyone? Non-Mac students, निखिल वलेचा, भक्ति, सनी लुल्ला, Anyone who doesn't knows how to solve the quadratic equation? और भी बहुत सारे बच्चे हैं SPK, महक शामदासानी, any student who doesn't knows? Okay, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब सबको आता है, तो मैं डायरेक्टली कहूंगा द फैक्टर्स आर n प्लस 6 एंड n माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 0, मतलब Either first term equal to 0 or second term equal to 0, तो n equal to मिलेगा 5 और यहां से मिलेगा n as minus 6, ठीक है। अब ध्यान से बेटा,
बहुत ध्यान से, हमने पढ़ा है n फैक्टोरियल में जो n है ना बेटा वो नेचुरल नंबर है, तो क्या माइनस सिक्स नेचुरल नंबर होता है क्या? क्या माइनस सिक्स जो है वो नेचुरल नंबर होता है क्या बेटा? इज माइनस सिक्स ए नेचुरल नंबर? द आंसर इज नो, करेक्ट। तो फिर बेटा आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते, आपका आंसर क्या होगा? फाइव। ठीक है, नाउ सी दिस इज योर मेथड वन, करेक्ट, जो मुझे पसंद नहीं है। मतलब ये मेथड मैं तब प्रिफर करता हूं जब भाई कोई चारा नहीं हो। तो व्हाट आई बिलीव इस सम को आप अगले एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट। क्या मैं कह सकता हूं n प्लस वन एन एन आर नथिंग बट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यस और नो बेटा? क्या मैं ये नहीं कह सकता n प्लस वन एन एन आर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब बाजू बाजू वाले? ठीक है, तो क्या मैं 30 को लिख नहीं सकता 6 इंटू फाइव, यस और नो? और मैं इसको 6 इंटू फाइव क्यों लिखूंगा बेटा? क्योंकि n प्लस वन बेटा एक बड़ा है ना n से, आप समझ रहे हैं? कल कोई आप में से कोई पूछेगा सर आप क्यों 6 इंटू फाइव लिखेंगे, आप 5 इंटू सिक्स क्यों नहीं लिखेंगे, सर वो भी तो 30 होता है ना। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, इधर क्या दिया है, इधर दिया है n प्लस वन और n, मतलब पहले बड़ा वाला नंबर फिर छोटा वाला नंबर, इसीलिए मैं 5 इंटू सिक्स नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 6 इंटू फाइव। अगर मैं ऐसे 6 इंटू फाइव लिखूं मुझे डायरेक्टली मिल गया वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 5, तो मेरा ये सब फैक्टर वगैरह निकालना ना काफी टाइम बच जाता है, काफी हद तक टाइम जो है मेरा बच जाता है। लेकिन नाउ दिस आई कीप ओपन टू यू बेटा, आपको कैसे जाना है। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा लगता है सॉल्व करना वो वैसे जाइए, जिन बच्चों को टेबल्स आते हैं भाई 30 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को कैसे लिख सकते हैं, बेसिक मल्टीप्लीकेशन आते हैं, दे कैन गो बाय मेथड टू। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू बोथ द मेथड्स, यू कैन गो बाय द मेथड यू वांट इट। ठीक है, सम नंबर 16 में किसी को कोई प्रॉब्लम? सम नंबर 16, एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम बेटा? क्या जिस सम में हम कुछ नया सीखेंगे उसको मैं बॉक्स कर देता हूं। सम नंबर 16, एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन सम नंबर 16? किसी को कोई डाउट बेटा सम नंबर 16 में? क्योंकि ऐसे अभी और भी सम्स आएंगे, करेक्ट, ऐसे नहीं कि बस एक सम कर लिया बात हो गई, नो 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 नो, पक्का नो डाउट, अगले सम पर आगे बढ़े बेटा। कैन आई मूव विद द नेक्स्ट सम? एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? सनी, भक्ति, महक शेख, निखिल वलेचा, महक श्यामदासानी, आशीष सोनी, जिन जिन बच्चों के मुझे नाम याद है मैं सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, नॉन मैक स्टूडेंट्स को कोई डाउट अभी, क्योंकि अगले दो सम आपको ट्राई भी करने हैं। ठीक है, सो नो डाउट्स। रिया, एनी डाउट्स? रिया, रिया आई है क्या बेटा? इज रिया विद अस? ज्वाइन किया है रिया आपने? देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं अगेन अगेन अटेंडेंस देखूं। रिया ने ज्वाइन किया है? लगता है रिया ने ज्वाइन नहीं किया है। सुशील प्रेजेंट है? सुशील, इज सुशील प्रेजेंट? सुशील कल एब्सेंट क्यों था बेटा? हाँ, कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया था आपको, प्लीज बताइए प्राइवेट चैट में जब तक मैं बच्चों के लिए सवाल लिखता हूँ। ठीक है, 16th क्वेश्चन हो चुका है, वी आर गोइंग टूवर्ड 17। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, बस क्या सुशील यार मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी और वो वाला डेटा नहीं था, वो क्या बोलते हो आप लोग आजकल के यंगस्टर्स, क्या मोबाइल डेटा, मोबाइल डेटा नहीं था? क्या सुशील यार आप अभी ऐसे एक्सक्यूज दोगे, आप खुद सोचो ऐसी एक्सक्यूज आप पे सूट भी नहीं कर रही है।
चलिए 17th। चलो अभी आपको ये ट्राई करना पड़ेगा सुशील, करेगा और मुझे आंसर देना पड़ेगा, वो भी सबसे पहले, ठीक है? नहीं तो मैं सवाल पूछता रहूंगा। एन प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। चलिए एवरी वन गिव इट अ ट्राई बेटा, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, जल्दी। क्या बात है, महक, हर्ष, निखिल, हरजस कौर, आरची, धनश्री, उमर, यश, पूजा, क्या आंसर? जल्दी से आंसर दे दिए, इसका मतलब सुशील आपको एक और सवाल आएगा। जब तक अब तुम पहले सवाल का जवाब नहीं दोगे मैं पूछता रहूंगा तुमसे। करेक्ट, तो हेयर वी हैव एन प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है? एन प्लस वन फैक्टोरियल को बेटा कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छे निखिल वाले इच्छा, इट इज एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है? तो एन माइनस वन फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एन प्लस वन इंटू एन इज इक्वल टू 42, ठीक है? अभी बताइए बेटा 42 को कैसे लिखेंगे? एवरीवन, हाउ एम आई गोइंग टू राइट 42 एस, हाउ एम आई गोइंग टू राइट 42 एस? अच्छा 7 × 6, 7 × 6 क्यों बेटा? वाई 7 × 6 एंड वाई नॉट 6 × 7? वाई 7 × 6, 6 × 7 लिखूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? 6 × 7 भी तो बेटा 42 ही होता है ना। करेक्ट, वेरी ट्रू बेटा, एन प्लस वन एक बड़ा है ना एन से, इसीलिए हम 42 को कैसे लिखेंगे बेटा? 7 × 6, तो एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 6। करेक्ट, चलिए एन की वैल्यू मिल गई हमें। अभी एक और, एक और, एक और, सी क्या है, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। एक एक और सवाल आप लोगों के लिए, ये रहा 18th। दिया गया है n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। सम शुरू करने से पहले ये बताइए बड़ा कौन है, n प्लस 3 की n प्लस 1, बस ये बता दीजिए, देन यू कैन स्टार्ट दिस। n प्लस 3 बड़ा होगा कि n प्लस 1? एन प्लस 3, चलिए स्टार्ट कीजिए, बताइए एन का वैल्यू क्या आता है? निखिल, हर्ष, अमित, दिशा, हरजस, सुशील, अश्विन, करेक्ट। लेट अस वेट फॉर अदर्स। करेक्ट, तो एन प्लस 3 को मैं कैसे लिखने वाला हूँ? जल्दी बेटा, बाकी बच्चे जल्दी सॉल्व कीजिए। रहीमा चौधरी, आंसर आ रहा है रहीमा चौधरी, आदित्य, श्वेता, किधर के बेटा ये सब बच्चे? आदित्य किधर चला गया? एन प्लस 3, एन प्लस 2, ओके ट्राई कीजिए बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं ये स्टेप के बाद वेट कर रहा हूँ बेटा। रहीमान इधर आएगा 110 और इधर है n प्लस 1 फैक्टर, बहुत अच्छे निखिल वाले इच्छा। आदित्य किधर है? आदित्य, श्वेता, महक शर्मा, आदित्य आया है कि नहीं आया है? लगता है आदित्य नहीं आया है, वरना आंसर तो दे देता हूँ। चलो n प्लस 1 जो है बेटा वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? n प्लस 3
इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो यहां से अब आपको क्या मिलेगा बेटा, कैसे स्प्लिट करूं मैं 110 को? यस, एन प्लस थ्री जो है वो एन प्लस टू से एक बड़ा है, तो मैं 11 इंटू 10 लिखूं कि 10 इंटू 11 लिखूं बेटा? शुड आई राइट इट 11 इंटू 10 और आई शुड राइट इट 10 इंटू 11? करेक्ट, वेरी गुड बेटा, आई एम गोइंग टू राइट इट एज 11 इंटू 10। यहां से ही आपको मिल जाएगा भाई 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, एन मिल जाएगा आपको 8। अरे आदित्य तो प्रेजेंट है, आदित्य यू आर प्रेजेंट एंड स्टिल नॉट आंसरिंग, कैन आई नो द रीजन? यस आदित्य बेटा, अभी तक सम नहीं हुआ सॉल्व? अरे जाग रहे कि सो गया है बच्चा? ये ऑनलाइन का ना ड्रॉबैक है, पता ही नहीं चलता कौन सा बच्चा जाग रहा है, कौन सा बच्चा सो रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है। हेलो आदित्य, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा रिप्लाई। चलो कोई बात नहीं, सभी बच्चों का आंसर मिल गया है। चलिए अभी हम अगले टाइप के सम्स पर जाते हैं, 19। ठीक है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ एन फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू। इसका मतलब बताए बेटा, रेशियो बोलते हैं हम इसे। ठीक है, इसका मतलब होता है रेशियो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5:3। ठीक है, अभी सभी लोगों को रेशियो का मतलब पता है बेटा, अगर आपको कोई चीज a:b के फॉर्म में दी है, इफ समथिंग इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ a:b, तो आप उसे कैसे लिखते हो? यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a/b। ठीक है बेटा, सब लोग को पता है बेटा ये चीज? यस एवरीबॉडी नोज दिस, बचपन में सीखा होगा ना, रेशियो सीखा होगा बचपन में जब आप छोटे थे। ठीक है, अभी ध्यान से, अरे पहले तो मैं ऐसे a/b फॉर्म में लिख दूं, तो ये आएगा बेटा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल एंटायरली डिवाइडेड बाय, करेक्ट, दिस विल बी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और फिर एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5:3। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ही बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी बेटा? यस, कैन आई कैंसिल एन फैक्टोरियल एंड एन फैक्टोरियल? यस और नो एवरीबॉडी? एन फैक्टोरियल एंड एन फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से, अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर, मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल इधर आएगा एन माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये होगा 3 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। बचपन याद दिला रहा हूं मैं आपको, अगर आपके पास 1/a/1/b है तो टीचर क्या बोलती थी आपको? बेटा ये इधर डिवीजन में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, मतलब इट विल बी 1/a/b/1, मतलब बेसिकली मैं उसे b/a बोल सकता हूँ ना। यस और नो बेटा, ये सब किया है आपने बचपन में? मतलब बहुत ही बेसिक है ये तो, मतलब 6th 7th 8th में किया होगा आपने, करेक्ट? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड की लेवल तक जाना चाहिए, बट स्टिल किसी को डाउट है तो फिर मैं उसको दोबारा लिख कर बताऊंगा। एनी बडी हैविंग एनी डाउट्स?
अरे सुशील बेटा, आदित्य को देख तो वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा। सुशील, ओके चलिए। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल। बेटा 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये इधर आएगा 3 फैक्टोरियल। अब बेटा ये है, अभी n-5 को रिड्यूस करेंगे कि n-3 को, देखते हैं किसका दिमाग सही काम करता है। सोचिए, अगर n-5 को रिड्यूस किया, पहले मैं गलत वाला बता रहा हूँ, बहुत अच्छे सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बेटा अगर n-5 रिड्यूस किया तो बेटा प्रॉब्लम क्या होगी? हर बार वो एक एक से घटते जाने वाला है, ये सुन लो। तो -5 को और एक बार घटा दूंगा तो हो जाएगा -6, फिर एक बार घटा दूंगा तो वो हो जाएगा -7, फिर एक बार घटा दूंगा वो हो जाएगा -8। ठीक है, तो n-5 हर बार क्या होते जा रहा है? और भी छोटा होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं n-3 लूं, करेक्ट, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि n-3 को जब रिड्यूस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? n-4। फिर एक बार रिड्यूस करूंगा तो n-5। ठीक है, तो n-5 और n-3 में हम किसको रिड्यूस करेंगे बेटा? n-3 को। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको? n-3, n-4, n-5 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3। अगेन द थिंग्स विल गेट रिड्यूस, n-5 कैंसिल, इधर 3 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या मिलेगा आपको? 5 4 दिस विल बी 20 / n-3 × n-4 इज इक्वल टू 5/3। इसको और भी रिड्यूस कर सकता हूँ मैं, 5 1 5 4 करेक्ट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट दिस एज? 4 is equal to n-3 × n-4, ये 3 इधर जो है वो इधर आ जाएगा। सो आई एम बेसिकली गेटिंग n-3 × n-4 इज इक्वल टू 12। ओके ओके सुशील, चलेगा, आई विल लुक इनटू इट। थैंक यू सुशील बेटा। के मैं इसीलिए बोला सुशील क्योंकि वो इधर जो है मुझे दिखा रहा है दैट ही इज कनेक्टेड, ही इज ऑनलाइन, इसीलिए आपको बोला मैंने बेटा। ठीक है, थैंक यू सुशील फॉर द अपडेट। ओके चलिए, बताइए अभी 12। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं दैट 12 विल बी रिड्यूस्ड एज डैश? 12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ट्वेल्व को हम कैसे लिखेंगे? 6 × 2? नो नो बेटा, n-3 और n-4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, यस, दोनों ही बाजू बाजू वाले टर्म्स हैं। दोनों ही बाजू बाजू वाले टर्म्स हैं बेटा, करेक्ट। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो 4 × 3 या तो 3 × 4। ठीक है, अभी इसमें आपको ये डिटरमाइन करना है कि n-3 बड़ा होगा कि n-4। सोचिए बेटा, n-3, n का जो भी वैल्यू रहेगा उसमें से 3 घटा देंगे और 4 घटा देंगे, तो कौन सा वैल्यू बड़ा मिलेगा तुम्हें? विच विल बी द बिगर वैल्यू एवरी वन? विच विल बी द बिगर वैल्यू बेटा? n-3 विल बी दी बिगर वैल्यू। ठीक है, तो मैं 12 को कैसे लिखूंगा बेटा? 4 × 3,
यहाँ से आपको मिलेगा n माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर, यहाँ से मिलेगा n इज इक्वल टू सेवन। अब जिन जिन बच्चों ने आंसर सेवन दिया था दे आर करेक्ट, द स्टूडेंट्स हु गेव द आंसर एज सेवन दे आर 100% करेक्ट। यस एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 19? सम नंबर 19 एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? करेक्ट पक्का बेटा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? निखिल वलेचा नो डाउट्स, महक शर्मा, महक शेख, भक्ति, महक शामदासानी, सनी बेटा, ओके मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? मैक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स बेटा? मैक्स स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट बेटा? एनी डाउट्स टू एनी वन? ओके लक्ष्यता बेटा, इन दोनों का बेटा नोट कर लीजिए, इन दोनों को स्लाइड्स को नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा। ये सेकेंड बेटा, ओके सो आई एम मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट। 19 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। दिया गया है अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ, ठीक है, 17 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू दिया है 5 फैक्टोरियल। पहले तो ये सोचिए कि कौन सा टर्म रिड्यूस होगा, वो आपको अपने दिमाग में सोचना है। करेक्ट, तो पहले है ना, पहले मैं गलत वाला टर्म बताता हूँ, दैट इज 14 माइनस n। बेटा 14 माइनस n को अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं n फैक्टोरियल की, तो 14 माइनस 1 n से एक रिड्यूस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस n में से एक रिड्यूस कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा? 14 माइनस 1 में से 14 माइनस n में से एक रिड्यूस कर दो तो 13 माइनस n, ठीक है। अभी 13 माइनस n में से और एक रिड्यूस कर दो क्या हो जाएगा? 13 माइनस n को भी एक से घटा दो क्या हो जाएगा? 12 माइनस n, ठीक है। अभी 12 माइनस एन से और एक घटा दो तो कितना हो जाएगा? 11 माइनस एन। बेटा कभी भी तुम 17 माइनस एन तक तो नहीं पहुंचोगे। यस डू यू ऑल एग्री विद दिस? आप कभी भी 17 माइनस एन तक तो नहीं पहुंचने वाले, ठीक है। तो क्वाइट लॉजिकल है हमें किसको रिड्यूस करना पड़ेगा? 17 माइनस एन को। सो दिस विल बी 17 माइनस एन, एक से रिड्यूस करेंगे 16 माइनस एन, फिर एक से रिड्यूस करेंगे तो 15 माइनस एन, फिर एक से रिड्यूस करेंगे तो 14 माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 माइनस एन फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। करेक्ट, सो 14 माइनस एन फैक्टोरियल इज कैंसल्ड। अब आपके पास क्या बचेगा बेटा? तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स बच रहे हैं आपके पास, 17 माइनस एन, ये है 16 माइनस एन, और ये है 15 माइनस एन, और 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। करेक्ट, तो 5 और 4 तो कंसेक्यूटिव है, मुझे चाहिए ये टोटल 120 है। तो अगर मैं इसको 6 लिख दूं, अगर मैं इसे 6 लिख देता हूं
तो मुझे देखिए एग्जैक्टली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल रहे हैं बेटा, क्यों? इन सब में 17 माइनस 10 बड़ा होगा, उससे एक छोटा होगा 16 माइनस n, उससे एक छोटा होगा 15 माइनस n। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4, करेक्ट? किसी को कोई डाउट बेटा इस स्टेप में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू होगी 17 माइनस 6, दैट इज 11। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 20 बेटा? क्वेश्चन नंबर 20, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 20, एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन इन क्वेश्चन नंबर 20? पक्का बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके, चलिए अगले सवाल पर जाते, सेकेंड लास्ट स्टेप में डाउट है। ओके साहिल जी, करेक्ट 120। आप ऐसे सोचिए साहिल कि 120 को एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 आप कैसे लिख सकते हैं? जस्ट थिंक ऑन दैट साहिल, सिर्फ वो सोचिए, आपका काम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। हाउ आई कैन राइट 120 एज 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशंस? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिख सकता हूँ? करेक्ट, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30, 30 इंटू 4 हो जाएगा 120। ये सर नो, ये बचपन में नहीं करते थे टीचर, हमको बॉक्स बॉक्स बना के देती थी, भाई अगर रिजल्ट तुम्हारा 12 है तो बताओ 12 को कैसे लिख सकते हो डैश इंटू 3, तब तो फिल करते थे ना भाई, इसको लिखेंगे 4 इंटू 3। ठीक है, बस आपको यही सोचना है कि कैसे आप इसे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे। दैट इज द ओनली जॉब बेटा, दैट इज द ओनली जॉब। ठीक है, इज इट क्लियर साहिल आहूजा बेटा? इज इट क्लियर बेटा? ओके, अगर क्लियर है तो ये वाला एक सवाल आप लोग ट्राई करेंगे। करेक्ट, आपको दिया गया है 15 माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए बताइए बेटा, एवरीबडी प्लीज गिव इट अ ट्राई, एवरीबडी विल गिव अ ट्राई एंड गिव मी दी फाइनल आंसर डायरेक्टली। एवरीबडी प्लीज गिव अ ट्राई एंड देन यू विल गिव मी दी फाइनल आंसर। You have 1 to 2 minutes for the same. Okay, काफी बच्चों का आंसर जो है वो 11 मिल रहा है। बहुत अच्छे साक्षी, वेरी गुड। मंशा आप आंसर नहीं दे रहे बेटा, एस वाई कौन सा स्टूडेंट है? एस वाई, मैं पहली बार नाम देख रहा हूँ ये। एस वाई जी प्लीज अपना नाम बताइए जरा प्राइवेट में। धीरेन, वेरी गुड। विशाखा, वेरी गुड। रितिका, गुड। अश्विन हैज आल्सो गॉट द आंसर, दैट्स नाइस। महक, वेरी गुड बेटा। संजना, हर्षा, महक, दैट्स नाइस। लगभग सभी बच्चों को आंसर मिला है। अच्छा, ऐसा कोई जिसे आंसर नहीं मिला हो? अच्छा, श्वेता जी हैं। ओके, ऐसा कोई जिसे आंसर नहीं मिला हो तो आई विल सॉल्व। अगर ऐसा कोई है जिसे आंसर नहीं मिला हो तो ही मैं सॉल्व करूंगा, वरना मैं सॉल्व नहीं करने वाला। एनीवन हु डिडंट गॉट द आंसर आई विल सॉल्व फॉर दोज स्टूडेंट्स। करेक्ट,
करेक्ट, सभी को आंसर मिला है। डायरेक्टली लिखो एन इक्वल टू 11। यस ओके, चलिए एन इक्वल टू 11। ये आप लोगों ने क्लास में खुद से ट्राई किया है, करेक्ट, एंड यू हैव गॉट दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अभी आपको डायरेक्टली बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिया है आपको 5 × 26 फैक्टोरियल प्लस 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 × 27 फैक्टोरियल माइनस 8 × 26 फैक्टोरियल। अब जिन बच्चों का फैक्टोरियल ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, उनके लिए देखेंगे तो सम बहुत ही इजी है। चलिए मुझे बताइए 26 फैक्टोरियल बड़ा कि 27 फैक्टोरियल बड़ा। 26 फैक्टोरियल बड़ा होगा कि 27 फैक्टोरियल बड़ा होगा? 27 राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 5 × 26 फैक्टोरियल वैसे ही लिख रहा हूँ, 27 को मैं लिख रहा हूँ 27 × 26 फैक्टोरियल। लिख सकता हूँ बेटा, कैन आई राइट 27 फैक्टोरियल एज 27 × 26 बेटा, यस और नो? करेक्ट, दिस विल बी 4 × अगेन 27 को मैं लिख रहा हूँ 27 × 26 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 8 × 26 फैक्टोरियल। क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 26 फैक्टोरियल जो है कॉमन ले सकता हूँ क्या? सॉरी इधर प्लस है, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 26 फैक्टोरियल कैन आई टेक कॉमन बेटा, यस और नो? ओके, तो 26 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 + 27। अब बेटा डिनोमिनेटर में से भी 26 फैक्टोरियल जरा कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर से भी 26 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो मिलेगा आपको 4 × 27, करेक्ट, नहीं 4 × 27 माइनस 8, ठीक है, तो 4 × 27 कितना मिलेगा बेटा आपको, 4 × 27 कितना मिलेगा एवरीवन? इज इट गोइंग टू बी 108 बेटा? करेक्ट, उसमें से आप 8 को माइनस कर देंगे और बेटा इधर मैं 26 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 25 + 27, 5 + 27 डिवाइड 5 + 27 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा बेटा आंसर? कैन आई से इट इज गोइंग टू बी 32/100? अगर आपको इसे रिड्यूस भी करना है तो मैं इसे फिर 8/25 कह सकता हूँ, आई कैन देन श्योरली राइट इट एज 8/25। Anybody having any doubts in this question, beta? Anybody having any doubts in this question? ठीक है, अभी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हम करने वाले हैं, करेक्ट, वी आर गोइंग टू गो एट फॉर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस बेटा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर टुडे, करेक्ट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये जो हमने किया है अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, तो फिर मैं जाऊंगा सम नंबर 23 पर, देन आई विल गो एट फॉर सम नंबर 23। Then we will go ahead for sum number 23.
सभी ने गो थ्रू कर लिया बेटा। एवरीबॉडी चलिए 2 मिनट का सिर्फ हम ब्रेक ले रहे हैं। यू कैन वॉच दिस बाय दैट टाइम, ओनली 2 मिनट्स ब्रेक। इट इज क्वाइट अ हैवी क्वेश्चन, थोड़ा माइंड जो है रिफ्रेश हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जस्ट टू रिफ्रेश योर माइंड। सब वो हाथ से फिसल गया सर, इस बार नया वाला सेट लाके दूंगी पक्का सर। सर एक एक बार माफ करना सर, सब सॉरी सॉरी। बेचारी आंटी, ओके चलिए लेट अस कम बैक टू अवर टॉपिक। लाइक इट्स वन ऑफ द फनीएस्ट सीन व्हिच आई लाइक फ्रॉम दिस मूवी। अरे बेचारी आंटी को भगा भगा के, हाँ पेट लॉस ऐसी हो गया उनका, हाँ क्वाइट अ फनी सीन। चलिए जस्ट माइंड विल बी रिफ्रेश्ड अ बिट, नथिंग एल्स। चलिए लेट अस जंप बैक। यस कितने लोगों ने देखी है ये मूवी, आई रियली डोंट नो। 8/25 कैसे रिड्यूस कीजिए ना समीर, 2 का टेबल लगाइए, आंसर आ जाएगा। यस हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी? ओके बाप रे काफी लोगों ने देखी है मूवी। ओके नहीं देखिए, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीन्स हर्ष, इट्स क्वाइट अ कॉमेडी सीन। लाइक नो दिस शाहिद कपूर बिकम्स काइंड ऑफ अ साइको in his love, or probably to get his love, but the ending is good. Finally, in ending, he gets, can say that, Mansha, can surely say that. Okay, you don't watch movies. That's so nice, yeah. That's so nice. Now, very few people I find that those who don't watch movies. I watch selective movies, but it's nice. I like the comedy scene of this movie, like, the way he runs behind that auntie, or like a kind of a jogging is being done on her. No issues, chaliye. That's nice, Ekta Beta. But you see, there are few movies which are good, correct? Like I like the movie called as Swadesh. That's nice. Then Tare Zameen Par, it's one of my favorite movies. Correct? It's one of the best movies, I believe. Correct? Then Three Idiots is also good. Correct? So yes, there are few movies which are really nice, specifically Tare Zameen Par. Yeah, Mission Mangal also. See, everybody has its own choice, but I like Tare Zameen Par, no? Like, that's nice. अरे उसमें ऐसे खुद को फील कर सकते हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने कुछ मिनट्स का, लेट अस गो अहेड। यस हेरा फेरी अगेन, आदित्य इज बैक भाई। चलिए let us move it with the next question. Okay, you need to find the value of n, and it is one of the best questions, correct? Itna lengthy question kabhi unhone pucha nahi hai, but still we need to practice, kyunki ye aapke CA foundation mein as a solved example bhi diya hua hai.
बट इतना बड़ा कभी उन्होंने सवाल पूछा नहीं है। पहले पूछा करते थे जब आपको ऐसे रिटर्न में होता था मैथमेटिक्स, व्हेन इट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस बिकॉज यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ गए तो तीन चार बहुत ही अच्छी लेवल के जो सवाल है उनका बेसिक्स क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको दिया गया है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 2n माइनस 7 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड देन n माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24:1। ठीक है, बहुत ध्यान से, अभी कुछ समय पहले ही हमने ऐसे टाइप का सम देखा है। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a इज टू b तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, a बाय b। अब यहाँ पर बेटा ये है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड देन 2n माइनस 7 फैक्टोरियल ठीक है एंटायरली डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24:1। अब बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा, ठीक है, n फैक्टोरियल को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो मैं n माइनस 4 तक पहुंचूंगा। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? क्योंकि अगर n माइनस 4 लिया, n माइनस 4 को अगर आप 1 से घटाएंगे तो वो हो जाएगा n माइनस 5, फिर 1 से घटाएंगे तो हो जाएगा n माइनस 6, फिर n माइनस 7, n माइनस 8, आप कभी भी n फैक्टोरियल तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो एक तो मुझे ये n फैक्टोरियल को रिड्यूस करना है, करेक्ट, फिर इधर 7 फैक्टोरियल है और इधर 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। सो हेयर आई नीड टू रिड्यूस दिस टर्म फॉर गेटिंग 4 फैक्टोरियल। अभी 2n और 2n माइनस 7, इन दोनों में बेटा बताइए कौन सा टर्म हम रिड्यूस करेंगे, 2n एंड 2n माइनस 7, इन दोनों में हम बेटा कौन सा टर्म रिड्यूस करेंगे, वी आर गोइंग टू रिड्यूस 2n फैक्टोरियल। ठीक है, सब ध्यान से बेटा, करेक्ट, बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हाइल वी आर रिड्यूसिंग द टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले 2n फैक्टोरियल रिड्यूस होगा, इट विल बी 2n, एक से घटा देंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, 2n माइनस 6 and then finally 2n minus 7 factorial reduce कर दिया हमने entirely divided by, ठीक है, denominator में है 7 बेटा, 7 factorial को कैसे लिखने वाले हम लोग, 7 factorial को कैसे लिखेंगे बेटा, 7 into 6 into 5 into 4 factorial, ठीक है, और बेटा ये 2n minus 7 factorial will remain as it is entirely divided by n factorial को हमें कहां तक reduce करना है, n minus 4 तक, so n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial divided by हमारे पास है
फोर फैक्टोरियल एंड देन एन माइनस फोर फैक्टोरियल। बेटा इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? इन दिस स्टेप एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप? बेटा किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस स्टेप? बेटा कैंसिलेशन करके आगे बढ़े बेटा। यस एवरीवन, चले मूव अहेड बेटा। ओके देखिए क्या क्या कैंसिल होगा। पहले तो 2n माइनस 7, 2n माइनस 7, n माइनस 4, n माइनस 4, 4 फैक्टोरियल n, 4 फैक्टोरियल। अब जो मैं कर रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इन टर्म्स पर ध्यान दीजिए, करेक्ट। 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, और इधर है 2 इंटू n। तो बेटा ये वाला n और ये वाला n विल गेट कैंसल। 2n माइनस 2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं मुझे क्या मिलेगा? n माइनस 1। 2n माइनस 4 में से 2 कॉमन ले लूं मुझे क्या मिलेगा? n माइनस 2। ठीक है, 2n माइनस 6 में से 2 कॉमन ले लूं मुझे क्या मिलेगा? n माइनस 3। ये स्टेप सभी को समझा क्या बेटा? करेक्ट। इज दिस स्टेप अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? ये स्टेप सभी बच्चों को समझा क्या? करेक्ट। अभी अगेन आई कैन कैंसिल, देखिए n माइनस 1, n माइनस 1 कैंसिल, n माइनस 2, n माइनस 2 कैंसिल, n माइनस 3, n माइनस 3 गेट्स कैंसिल। ठीक है, न्यूमरेटर में बेटा कितने 2 आ गए मेरे पास? करेक्ट, एक तो ये 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यस और नो? बेटा डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है, डिनोमिनेटर इज कैंसिल्ड एंटायरली। डिनोमिनेटर में अभी कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, नथिंग इज लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर। करेक्ट, जो अब हमारा न्यूमरेटर है उसे हम देख रहे हैं, 4 2 बचे हैं हमारे पास, ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट बेटा? 16। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, और न्यूमरेटर में है हमारे पास 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 24 बाय 1। किसी को कोई डाउट बेटा इस स्टेप तक? किसी को कोई डाउट? Anybody having any doubts till this step beta? Till this step, anybody having any doubts beta? Any doubts to anyone till this step? Till this step, anybody having any doubts? Okay. तो अब देखिए क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ? It is 2n minus 1, 2n minus 3. बेटा ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं विथ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स एज टू। यस और नो? दो दो के डिफरेंस पे हैं, राइट? कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं बट दो दो के डिफरेंस पर हैं। अब ये इधर है 24, बेटा ये तीनों को दूसरे साइड लेके गया, इधर डिवीजन है तो उधर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और 16 बेटा उधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए रिड्यूस कीजिए बेटा, ऐसे रिड्यूस कीजिए, क्या मिलेगा आपको? 16 को कैसे रिड्यूस कर सकता हूं मैं? 4 की टेबल में आएगा बेटा, 4 4 जार 16, 4 6 जार 24, ठीक है, फिर 2 2 जार 2 3 जार 2 1 जार 2 3 जार। करेक्ट, कुछ ऑब्जर्व कीजिए, आपको मिल रहा है 6 7 5। करेक्ट, मतलब आपको इसे अच्छे से रिड्यूस करना है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर अच्छे से रिड्यूस करना मतलब? बेटा देखो तुम्हें दो नंबर मिल चुके हैं, यस और नो? 5 और 7 के बीच में बेटा दो दो का डिफरेंस है,
यस और नो। और थ्री थ्री सा कितना होता है बेटा, नाइन, करेक्ट। तो आपको क्या मिला है, नाइन इंटू सेवन इंटू फाइव, यस और नो? क्या मैं कह सकता हूँ खुद ब खुद आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया है नाइन इंटू सेवन इंटू फाइव, यस और नो? यू गॉट दिस बाय डिफॉल्ट, आपने कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, करेक्ट। आपको दो दो के डिफरेंस पे तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स चाहिए थे, आपको दो दो के डिफरेंस पे तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल गए हैं, करेक्ट। दैट इज नाइन इंटू सेवन इंटू फाइव, ठीक है। अभी किसी एक को इक्वेट कर लीजिए, चलिए 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, सो 2n इज इक्वल टू 10, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n as 5। एक बच्चे ने आंसर दिया था वैल्यू ऑफ n as 5 एंड दैट इज करेक्ट। Anybody having any doubts in this sum number 23? Sum number 23, anybody having any doubts? Sum number 23, anybody having any doubts? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट सम नंबर 23 में बेटा? पक्का? नॉन मैथ स्टूडेंट्स एनी डाउट्स बेटा? नॉन मैथ स्टूडेंट्स एनी डाउट्स एट ऑल? पक्का बेटा? चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट रिपीट करें, मतलब राहुल बेटा अगर मैं इधर ही रिवाइज भी कराऊं आप घर पे क्या करेंगे फिर? हाँ प्रैक्टिस भी तो करना है आपको। कोई चीज नहीं समझी हो और मैं रिपीट करूं तो ठीक है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर एक काम करो, रिवीजन भी तुम ही करवाओ। हाँ राहुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरनेट इश्यूज, ओके चलो। अभी तुम इंटरनेट इश्यू बोलोगे तो मेरे पास भी कुछ जवाब नहीं है, ठीक है। चलिए सो करेक्ट, सबसे पहले अगर हमें कोई चीज ए इज टू बी के फॉर्म में दी गई है, सो वी आर गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, ठीक है। तो हम लोग ने पहले उसे ए बाय बी फॉर्म में लिखा, फिर हमने देखा कि हमें कौन सा टर्म जो है वो रिड्यूस करना है, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में हमने 7 फैक्टोरियल को चुना, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को ही मैं 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इस केस में 2n फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे जब तक हम 2n माइनस 7 नहीं पहुँच जाते। सिमिलरली n फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे जब तक हम n माइनस 4 नहीं पहुँच जाते। हमने इन सभी टर्म्स को रिड्यूस किया और कैंसिल किया। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि हम लोग 2n माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 कॉमन n माइनस 1, 2n माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 कॉमन n माइनस 2 एंड n माइनस 3। फिर हमने इसे भी कैंसिल किया। फिर हमने देखा हमारे पास 4 2 प्रेजेंट थे, तो 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिला बेटा 16, ठीक है। और ये तीन टर्म्स जो हैं हमारे बच गए, दैट इज नथिंग बट दी थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं विद अ डिफरेंस है बिटवीन देम एज 2, करेक्ट। हर एक के बीच में दो दो का जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। अभी 16 है और इधर 24 है, तो मैंने क्या किया, ये तीन टर्म्स अगर इधर डिवीजन में है उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बोथ दी टर्म्स विल गेट कैंसिल। कैंसिलेशन करने पे हमें मिला 3 इंटू 3 9, 7 और 5, देन वी डायरेक्टली इक्वेटेड इट, करेक्ट। हमने किसी भी एक टर्म को इक्वेट कर दिया एंड वी गेट दी वैल्यू ऑफ एन एस 5, ठीक है। इज इट ओके राहुल? Let us continue beta. Sum number 24.
सम नंबर 24 अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट वन. करेक्ट दिया गया है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. शो दैट कीजिए इट इज इक्वल टू 2 raised to n इन ब्रैकेट 2n-1 इंटू 2n-3 एंड सो ऑन 5 × 3 × 1. बहुत ही सिंपल सा सम है ये. करेक्ट. और ये शो दैट इसीलिए और यही एज अ रिजल्ट आप आगे यूज करने वाले हैं इन दी कॉम्बिनेशन थियरी. इसीलिए मैं ये सम अभी ही करवा रहा हूँ आपको. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी LHS. करेक्ट. हमारे पास है 2n फैक्टोरियल डिवाइड में है n फैक्टोरियल. ठीक है. तो आप सभी को पता है 2n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ. 2n इंटू 2n-1. करेक्ट. फिर 2n-2 2n-3 2n-4. करेक्ट. 2n-5 2n-6. ऐसे करते 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 मैं कहाँ तक जा सकता हूँ बेटा. करेक्ट. 6 5 4 3 2 1. करेक्ट. मैक्सिमम ये मैंने सीधा सीधा डेफिनेशन लगा दी n फैक्टोरियल की. अब डिनोमिनेटर में तो वैसे भी डेफिनेशन ही लगने वाली है. राइट. n फैक्टोरियल की डेफिनेशन आप सभी बच्चों को पता है. लेकिन मैं देखिए क्या कर रहा हूँ बेटा. बहुत ध्यान से. n फैक्टोरियल क्या होगा. n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन अप टिल 1. ठीक है. अब देखो प्लीज ऑब्जर्व दिस. जो इसके पहले हमने ट्रिक यूज की थी वही देखो. इधर ये n और n कैंसिल हो जाएगा. इधर से मैं 2 बाहर ले लूंगा इधर बचेगा n-1. इधर से 2 बाहर ले लूंगा मेरे पास बचेगा n-2. इधर से 2 बाहर लूंगा मुझे मिलेगा n-3. तो क्या मैं ये नहीं कह सकता बेटा ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये कैसे टर्म्स हैं. ये इवन वाले टर्म्स हैं. ये सब नो बेटा. कैन आई से दीज आर नथिंग बट व्हाट. इवन वाले टर्म्स 6 4 2 ऑल दीज आर व्हाट. इवन टर्म्स. इन सब में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ. तो फिर देखो ना कैंसिलेशन हो रही है बेटा. करेक्ट. इधर देखो फिर n-1 कैंसिल n-2 कैंसिल n-3 कैंसिल. करेक्ट. एंड सो ऑन. क्या मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा कैंसिल ही हो जाएगा. यस दिस एंटायर टर्म विल गेट कैंसिल. अब आपके पास 2 कितने बचेंगे. देखो ना पहले टर्म का 1 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2. इन जनरल मेरे पास कितने 2 बचेंगे बेटा. इन जनरल मेरे पास कितने 2 रहेंगे. 2 raised to n. यस और नो बेटा. इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट हर एक इवन टर्म में से अगर तुम 2 बाहर ले रहे हो. करेक्ट. तो कितने इन जनरल 2 बचेंगे. 2 raised to n. अब बचा क्या सिर्फ ऑड टर्म. ऑड टर्म में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा. ऑड टर्म में क्या आएगा. 2 raised to 2n-1 2n-3 2n-5. करेक्ट. ऑड टर्म्स बेटा दिस विल बी 5 × 3 × 1. करेक्ट. एनी बडी हैविंग एनी डाउट. इट इज जस्ट वन लाइन क्वेश्चन. पीपल यूज इट एज ए जस्टिफिकेशन. ठीक है. एनी बडी हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बेटा. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस. एनी बडी हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन. एनी बडी हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बेटा. किसी को कोई डाउट. Anybody having any doubts in this question? Okay. अभी एक question जो है मैं आपको try करने के लिए दे रहा हूँ and that is the last question on Aditya definition of a factorial. Definition of a factorial बेटा 1 तक जाएंगे.
मैंने 6 से शुरुआत की, आप 10 से लिखो, 11 से लिखो, 12 से लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, द ओनली मोटिव इज कि आपको इवन और ऑड टर्म समझे, इसलिए मैंने वहां से लिया है बेटा। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल, 25th लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करना है फॉर व्हाट इज द आंसर फॉर 9 factorial upon 3 factorial 6 factorial plus 9 factorial upon 4 factorial and 5 factorial। ये आपको सॉल्व करना है अभी के अभी। ठीक है, जल्दी ट्राई कीजिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टू ट्राई बेटा, आखिरी सवाल आपका लेवल वन हो चुका है फिर पीएनसी का। करेक्ट, तो हमारा प्रोबेबिलिटी लेवल वन हो गया, पीएनसी लेवल वन हो गया। ठीक है, अभी पीएनसी लेवल टू पर लेके जाएंगे हम। करेक्ट आंसर आया बेटा, ओके 200 इज द आंसर स्टूडेंट इज गेटिंग। चलिए देखते हैं, सबसे पहली चीज बेटा जो आप करेंगे, आप करेंगे वो है 9 factorial तो कॉमन ले लो। ठीक है, इधर आपके पास बचेगा 1/3 factorial, इधर बचेगा 6 factorial, प्लस इधर बचेगा 1/4 factorial और 5 factorial। ठीक है, अभी देखिए आप सभी लोगों को पता है इन दोनों में से आप किसको रिड्यूस करेंगे, 4 factorial। करेक्ट, और इधर मैं लिखूंगा 6 factorial as 6 into 5 factorial। जितना हो सके हमें सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये मिलेगा मुझे 10 factorial, ये है 1/3 factorial। 6 factorial को मैं लिख सकता हूँ 6 into 5 factorial प्लस 1/4 factorial को मैं लिखूंगा 4 into 3 factorial और इधर है मेरे पास 5 factorial। नाउ आई कैन टेक दी थिंग्स कॉमन, यस और नो बेटा, टिल दिस पॉइंट एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, टिल दिस पॉइंट एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा। ओके, तो यहां से अभी आपको 9 factorial ऑलरेडी कॉमन मिला था, अब मैं 3 factorial भी कॉमन ले लूंगा और मैं 5 factorial भी कॉमन ले लूंगा। मेरे पास ब्रैकेट में क्या मिलेगा, करेक्ट 1/6 plus 1/4। ठीक है, ओके दैट्स ऑसम, ये तो बहुत ही इजी हो गया। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा 9 factorial upon 3 factorial 5 factorial, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 6 plus 4 divided by 6 into 4। करेक्ट, ऑब्जर्व कीजिए बेटा, आई कैन डायरेक्टली यूज द रिजल्ट, यस और नो बेटा, देखिए ना क्या मिल गया आपको, आपको यहां पर मिला है 9 factorial into 10। ठीक है, डिवाइड में देखिए क्या क्या है आपके पास, अरे क्या मैं कह सकता हूँ 3 factorial 3 factorial into 4 क्या हो जाएगा बेटा, 4 factorial 5 factorial into 6 क्या हो जाएगा, 6 factorial। तो बेटा इज एज गुड एज यू आर सॉल्विंग 10 factorial upon 4 factorial and 6 factorial। करेक्ट, अभी 10 को आप, अच्छा यहां तक पहले सभी को समझा, टिल दिस पॉइंट एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा, सभी बच्चों को यहां तक समझा क्या, टिल दिस पॉइंट एवरीबडी अंडरस्टूड। अभी 10 फैक्टोरियल को बेटा मैं कहां तक लिखूंगा, हाउ आई कैन राइट 10 factorial as 10 factorial को मैं लिखूंगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by
फोर फैक्टोरियल आप सभी को पता है इट इज 24 और ये रहेगा सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल। चलो बेटा टेबल लगाओ 24 की, कैसे 8 हाउ मच जार 24, 8 की टेबल में 24 आता है क्या, 3 जार राइट, फिर 3 वन जार 3 जार 3 टेन जार 30, 30 इंटू 7 कितना आ जाएगा बेटा 30 इंटू 7 210, सो दैट बिकम्स योर आंसर। हाँ अगर आपको वैल्यूज पता है वैल्यूज पुट करो डायरेक्टली, आई डोंट माइंड, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 25, सम नंबर 25, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 25? टू एन नहीं, टू रेज टू एन करण, करेक्ट। चलो करण को एक डाउट है, चलो करण मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। देखिए करण अगर मैं आपको दूं 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, अगर मुझे इन सब में से 5 को बाहर लेना है तो बेटा मैं कैसे बाहर लूंगा, इधर क्या आएगा बेटा, इफ आई वॉन्ट टू टेक, देखो ये आपको पता है इट इज गोइंग टू बी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 राइट। अगर मैं 5 बाहर लूंगा तो ये क्या होगा, 5 रेज टू 4, यस और नो करण, यस और नो करण बेटा, करेक्ट। कैसे 10 क्या होता है 5 इंटू 2, ये क्या होता है 5 इंटू 3, ये क्या होता है 5 इंटू 4, अरे कॉमन नहीं होता, करेक्ट। अरे बेटा ये प्लस थोड़ी है कि मैं सिर्फ एक ही 5 बाहर लूंगा, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ बेटा, सेंटर साइन प्लस नहीं है ना जो मैं कॉमन ले लूँ, आप समझ रहे हो, दिस इज एज गुड एज 5 इंटू 1, 10 क्या है 5 इंटू 2, ठीक है 15 क्या है 5 इंटू 3, 20 क्या है 5 इंटू 4, तो बेटा कितने 5 हैं 4, सो 5 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ना, करेक्ट, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो जब सेंटर साइन प्लस होती है ना बेटा तब मैं 5 बाहर ले सकता हूँ और सेंटर में प्लस आएगा, इधर इंटू है करेक्ट, तो 5 रेज टू 4 जो है वो बाहर आएगा, ठीक। वैसे बेटा 2 कितनी बार है, इवन नंबर्स कितने होंगे, जितना भी होगा करेक्ट, इट विल बी एन टाइम्स, इसीलिए 2 रेज टू एन बेटा, इज इट ओके करण बेटा, ओके। चलिए आई विल रिक्वेस्ट लक्ष्यदा टू प्लीज make a note of these questions, welcome Karan, so CA foundation students level 1 of probability is completed, level 1 of PNC is completed, correct, I have requested ma'am to give me the slots when we can conduct the test, as soon as I will get these slots I will update you all, okay, so you all be prepared for these questions, plus you will get to practice few more questions in a day's time, ek do din mein hum aur bhi practice karenge, ye jo bhi sums main karwata hu beta CA Foundation students, I request you all to please make a note of all these questions in the notebook. Believe me, we are going very good level. We are going at a very good level. Correct. Your questions of CA Foundations are also getting covered. Okay. So please make a note of all these questions in your notebook. Okay, beta. चलिए चलो जल्दी से बताइए आज के session में किसी को कोई doubt? आज के सेशन में किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन इन टुडेज सेशन? ओके सो वी विल स्टॉप हियर बेटा, ठीक है, वी आर मीटिंग अगेन इन द इवनिंग सेशन, ओके, सो अंटिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू बेटा, नहीं नहीं नो नीड साहिल, नो नीड, थैंक यू, thank you everyone, have a great day ahead.